अगली रिपोर्ट भी सिरोही से है। रिपोर्ट के अनुसार सरपंच संघ पंचायत समिति सिरोही ने संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज सिंह सिंदत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर बताया कि सिरोही पंचायत समिति द्वारा सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हठधर्मिता का आरोप भी लगाया है। ज्ञापन में और बताया गया है कि प्रधान द्वारा सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, विकास के कार्य को अटकाया भी जा रहा है, जिससे सरपंचों में रोष व्याप्त है। मामले को लेकर सरपंच गुमान सिंह देवड़ा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। समिति की साधारण सभा की बैठक थी, उसमें हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष शिवराज सिंह जी ने हमारे आग्रह पर कुछ विकास की बात रखी। उसमें प्रधान जी भड़क गए और वो कहने लगे कि भाई मैं बड़ा हूँ और आप बाहर निकल जाओ। तो विकास के लिए जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ जनरल हाउस में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। उनका आरोप है कि विकास अधिकारी विकास कार्य में रोड़ा बन रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हमने ऐसा देखा नहीं कभी, विकास अधिकारी मदद करती है। कोरोना काल में भी विकास अधिकारी ने रिक्स लेके हर गांव में पंचायत में चाहे किट पहुंचाने हो हर मदद की, और ऐसा हमारे को कहीं नहीं लग रहा कि विकास अधिकारी के रोड़ा अटका रही है।